Listen, today I am going to tell you about how to factorize the trinomials. So in previous class also you were studying, but it is in class 9th also. That's why I am going to explain you these two questions. First question is x square plus 11x plus 30. So when we observe this question, we will break 30 to first. And we will have to remove the factors. If we break 30, then our factor 5 into 6 will be. And we will see that 5 plus 6 will be our 11. So here we will write x square 5 plus 6 into x plus 30. And we will write x square plus 5x plus 6x plus 30. और इस तरीके से इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये x प्लस हमारा 5 होगा और यहाँ पर हम लोग 6 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 5 हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से x प्लस 5 कॉमन निकालेंगे, ये x प्लस 5 और दूसरा हमारा x प्लस 6 होगा। तो बच्चों आपने देखा कि ये बहुत ईजिली आपको फैक्टराइज हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के पैटर्न को पहले समझना बहुत जरूरी है। 9 इंटू ए माइनस टू बी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस टू बी माइनस 30। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से दिया जाए तो आप क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल्स टू ए माइनस टू बी को एज्यूम कर लेंगे और इस प्रकार से आपका इक्वेशन अब फिर से इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13। फिर इस केस में आपको 9 और 13 का फैक्टर सर्च करना होगा, तो 9 और 13 के फैक्टर्स की हेल्प से आपको बीच का डिफरेंस निकालना होगा। तो अगर हम बिना मल्टीप्लाई किए अगर इसके फैक्टर्स को ऑब्जर्व करके अगर डिफरेंस देखते हैं तो हमारा ये 4 आता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। नाउ 9x स्क्वायर माइनस देन 13 माइनस 9 इंटू ए दैट इज x, here it we can write it here x minus 13 और अब इसको हम लोग ओपन करते हैं तो 9x square minus 13x plus 9x minus 13। तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि minus 13 plus 9 आपका ये minus 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको पेयर में भी कर लेंगे और अब आप देखोगे कि यहाँ पर आप कॉमन क्या निकाल सकते हो। तो इसमें अगर आपका कॉमन सिर्फ x आ जाएगा तो इस तरीके से x अगर आप कॉमन लेंगे तो ये हुआ आपका 9x minus 13 और यहाँ से कुछ कॉमन ही नहीं निकलेगा तो आप सिर्फ आप यहाँ पे 1 लोगे क्योंकि 1 इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो अब आपका ये 9x minus 13 हो जाएगा। इस तरीके से 9x minus 13 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये 9x minus 13 और इधर हो जाएगा हमारा x plus 1 और फिर एट लास्ट हम लोग x की यहाँ पर जो हमने वैल्यू थी उसको रख देंगे तो 9 इंटू a माइनस टू बी माइनस 13 और यहाँ पे हो जाएगा आपका a माइनस टू बी प्लस 1। तो लास्ट में अगर आप इसको और अगर थोड़ा सा चाहें तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब आप देखिए इस स्टेप्स को आप करेंगे सिंप्लीफाई के लिए होगा हमारा 9 है और ये हमारा होगा 9 इंटू टू, ये हो जाएगा आपका 18 बी और माइनस 13 होगा। और इस तरीके से अगर हम इस ब्रैकेट को देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एक्स की जगह पे हमारा 9 माइनस टू बी है तो 9 माइनस टू बी और ये हमारा प्लस 1 होगा। तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चंस का ये आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज योर आंसर पार्ट। आप चाहें तो आप इसको ऐसे और लिख सकते हैं 9 माइनस टू बी प्लस 1 या आप उसको इस फॉर्मेट में भी ले सकते हो। यहाँ स्पेस कम था तो हमने आपको बता दिया, ये आपका फाइनली इस क्वेश्चन का भी आंसर आ सकता है। तो इस तरीके से आप मिडिल स्पीडिंग के टर्म्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ये इसकी एक्सरसाइज आपको आर एस अग्रवाल में बहुत अच्छी मिल जाएगी, एन सी आर टी में दिया ही हुआ है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके।